सुष्मिता सेन ने साल 1994 में मिस यूनिवर्स का ताज जीत कर देश का नाम रोशन किया था। ब्यूटी विथ ब्रेन की मिसाल बनी सुष्मिता देश के लिए यह ताज जीतने वाली पहली कंटेस्टेंट थी। उसके बाद युक्तम थी लारा दत्ता और अब हरनाज संधु ने मिस यूनिवर्स का ताज जीता है। सुष्मिता सेन ने यह खुलासा किया था कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जो ग्लव्स पहने थे वह उनकी मां ने जुराब से तैयार की थी। अब एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि फिनाले में जो खिताबी सवाल उनसे पूछा गया था वह उसे ठीक से समझ भी नहीं पाई थी क्योंकि वह हिंदी मीडियम से थी और सवाल कठिन अंग्रेजी में। सुष्मिता ने बताया कि फाइनल राउंड में उनसे पूछा गया कि उनके मुताबिक एक महिला होने का एसेंस क्या है, मतलब सार क्या है। जवाब में सुष्मिता ने कहा, एक महिला होना ही अपने आप में भगवान का उपहार है जिसकी हम सभी को सराहना करनी चाहिए। बच्चे का जन्म माँ से ही होता है। जो एक महिला होती है वह पुरुषों को यह दिखाती है और समझाती है कि देखभाल करना, शेयर करना और प्यार करना क्या है। मेरे लिए एक महिला होने का यही मतलब है। सुष्मिता ने यह इंटरव्यू अपनी बेटी अलीशा के स्कूल मैगजीन के लिए दिया है। इसमें उनसे पूछा गया कि अब इतने साल बाद उनके जवाब में कुछ ऐसी बात जिसे वह बदलना चाहेंगी। सुष्मिता कहती हैं, उस सवाल की सबसे बड़ी खूबी या उस जवाब की अच्छी बात यह है कि उसमें मुझसे ये नहीं पूछा गया कि एक महिला के क्या गुण हैं, बल्कि मुझसे ये पूछा गया कि एक महिला होने का क्या मतलब है, उसका क्या सार है। सुष्मिता इसी सवाल के जवाब में आगे कहती हैं, मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल की बच्ची हूँ, इसलिए उन दिनों मुझे ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी। मुझे नहीं पता कि मैंने तब सवाल में पूछे गए एसेंस ऑफ वुमन का मतलब कैसे समझा और उसका इतना अस्पष्ट जवाब कैसे दिया। मुझे लगता है कि उस वक्त मेरी जीभ पर सरस्वती विराजमान थी। उन्होंने मुझसे यह कहने को कहा था क्योंकि यही वह बात थी जिसके आधार पर मैंने अपनी जिंदगी जीने के तरीकों का चुनाव किया है। मैं आज भी अपने जवाब पर कायम हूँ, तब से अब मैं कुछ नहीं बदला है। दो बेटियों रेनी और अलीशा की सिंगल मदर सुष्मिता कहती हैं, तब मैंने यह कहा था कि महिला वह है जो पुरुषों को और दुनिया को प्यार करना, शेयर करना और केयर करना समझाती है। यह रोमांटिक लाइन नहीं थी। मेरे कहने का मतलब यह था कि एक माँ महिलाओं और पुरुषों की एक पीढ़ी को जन्म देती है। हम जिस तरह बेटे पैदा करते हैं वह भी हमारे एंसेस यानी सार का हिस्सा है। अब अगर मैं पीछे पलटकर अपने जवाब को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि हे भगवान, सच में एक महिला होना अपने आप में कितना शक्तिशाली है। आज 28 साल बाद क्या मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगी? अगर ऐसा होता है तो यह खुद में एक खोज होगी। एक महिला को सिर्फ बाहरी दुनिया की यात्रा नहीं करनी चाहिए, उसे खुद की भी अंदर की जर्नी करनी चाहिए। यह समझना चाहिए, पता करना चाहिए कि वह खुद में क्या है। यही एक महिला होने का मतलब है, उसका सार है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।